ऑप्शन सही है। कहता है ये बीम ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कैथोड रेज आर सब्जेक्टेड टू क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द फील्ड आर एडजस्टेड सच दैट द बीम इज नॉट डिफ्लेक्टेड। अब समझने की कोशिश करना, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम है, कैथोड रेज है, इस तरह से रेज आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम है ये, चलो ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, इस तरह से मूव कर रही है इलेक्ट्रॉन्स की बीम। इब कहता है फील्ड एडजस्टेड सच दैट बीम इज नॉट डिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगाना है कि ये जो बीम है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, मतलब जैसे बीम जा रही है वैसे भी जा रही है, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं वैसे जा रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस पे इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फोर्स लग रहा है दोनों फील्ड का वो जीरो हो यार, ठीक है, दोनों फील्ड। तो चलो अगर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, चलो मान लो, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बोर्ड के अंदर हमने अज्यूम कर लिए और इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसको मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी वो बी में ले लेता हूँ और मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्रॉस है जो बोर्ड के अंदर है, क्लियर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। ये बात सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल क्यू वी क्रॉस बी होता है ये, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वी क्रॉस बी होता है, लेकिन वो तो पॉजिटिव के लिए होता है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस क्यू और वी क्रॉस बी, इलेक्ट्रॉन के केस में डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं। तो ऊपर वी क्रॉस बी लगाओगे, बी इधर है बी अंदर है, तो वी इधर है बी अंदर है, तो वी क्रॉस बी ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन के केस में नीचे चला गया, तो इस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स जो भी लगेगा वो नीचे लगेगा, उसकी वैल्यू होगी क्यू वी बी साइन 90, बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर आएगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे ऊपर आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे ऊपर आएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? क्यू ई, मैग्नीट्यूड में, मॉड में क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर आएगा, वेलोसिटी वेक्टर इधर आएगी, ये सारे पैरामीटर्स, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? क्यू ही होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन के केस में वेक्टर में देखोगे तो ये तो प्लस चार्ज के लिए है ना भाई, तो माइनस इस मालिक के फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड के अपोजिट आएगी, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स नीचे आ गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जाएगा, भी वेलोसिटी से इधर जा रहा है। तो कुल मिला के अब ये हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द कैथोड बीम। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है? ई अपन एम की वैल्यू कैलकुलेट करना है यार, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स ने मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस किया है, मतलब स्मॉल ई कैपिटल ई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स लिखो स्मॉल ई क्यू भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बी, मतलब ई ने कम खत्म कर दिया, तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ई अपन बी के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक, ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कैथोड बीम मूव कर रही है, ई अपन बी के इक्वल है। अगर इतना सब नहीं करना है आपको, पहले ही आपको याद होगा रिजल्ट कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है तो ई अपन बी भी के इक्वल होता है, तो ये सारी चीजें। चलो अब उस पर कहता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे इस पोटेंशियल डिफरेंस वी वन और दीजा जा रहा वी टू, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो मैं लिख सकता हूँ जो वर्क डन, जो उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को एम वी स्क्वायर, वो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स मिल रही है और वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस बी बिटवीन द इस एंड के और इस एंड के बीच दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ई अपन एम की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वेलोसिटी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई इधर मास एम है, डिवाइडेड बाई टू कैपिटल वी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई अपन, मास तो चाहिए ना यार, यहाँ से मैं थोड़ा सा लिटिल बिट मिस्टेक हो गया, नहीं इसको सही कर देता हूँ, हमें ई अपन बी चाहिए, तो ई अपन एम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वेलोसिटी का स्क्वायर टू टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस।
अब वेलोसिटी यहाँ पहले ही निकाल चुके ये वाली, तो ये वाली इसमें रख दो यार। तो ये अगर रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइम्स डी का स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज ई अपान एम। और ई अपान एम को ही स्पेसिफिक रेशियो बोलते हैं। तो ई स्क्वायर टू टाइम्स बी स्क्वायर, दैट इज डी ऑप्शन हम लोग का